हेलो फ्रेंड्स, ये फ्यूल एडिटिव था जो कि फ्यूल टैंक में ऐड किया था मैंने। फ्यूल टैंक में ऐड करने के बाद गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई धीरे धीरे गाड़ी में। पहले तो ये हुआ कि इंजेक्टर्स की आवाज़ आई, थोड़ा सा पिकअप बढ़ा हुआ मुझे फील हुआ, लेकिन उसके बाद इंजेक्टर्स की आवाज़ बढ़ने लगी, नॉइज़ बढ़ गई, और नेक्स्ट में क्या हुआ कि उसके बाद गाड़ी नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट ही नहीं हुई। तो ये वो फ्यूल एडिटिव था, और उसके बाद मैंने गाड़ी की सर्विस भी की। वो सर्विस की वीडियो अगर आपको देखनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वो आप इसके बाद में ख़त्म होने के बाद वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल में जो प्रॉब्लम है वो वहाँ तो शॉर्ट आउट हुई नहीं। बहुत सारी कोशिश कर ली मैंने, ट्रबल शूटिंग जो बेसिक थी वो सारी मैंने की यहाँ पे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम नहीं गई, गाड़ी चलने के लिए तैयार नहीं है। धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती चली गई, जैसे जैसे था वो एक एक करके प्रॉब्लम बढ़ती गई। अभी आपको साउंड भी सुनाता हूँ गाड़ी का, अभी जो साउंड है वो कैसा है। अभी गाड़ी हीट होने के बाद धीरे धीरे अपनी आवाज़ बदल देती है। अभी जैसे ऐसी आवाज़ है, धीरे धीरे जैसे जैसे हीट होगी ऐसी आवाज़ बदल देगी। और इसके साथ ही एक चीज़ और है, आवाज़ चल रही है, जैसे ही एक्सीलेटर दूंगा, मेरा पैर भी दिखना चाहिए यहाँ पे, अब RPM देखेगा, मेरा एक्सीलेटर देखेगा, छोड़ दिया, बंद हो गई। फिर स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे RPM एक्सीलेटर देता हूँ, वहाँ ऊपर तक गई, बंद हो गई। देखिए इंजेक्टर तो इसकी आवाज़ कर रहे हैं, इंजेक्टर में टेस्ट कर रहा हूँ अभी आवाज़ कौन से इंजेक्टर में ज़्यादा है। एक प्रॉब्लम एक अलग सी और है इसमें। अब क्या प्रॉब्लम है, अभी तो मैंने इस समय स्टार्ट किया हुआ गाड़ी को, पहले पेट्रोल से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे ये गर्म होने के बाद धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, लेकिन 4-5 घंटे इसको छोड़ देंगे तो ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, फ्यूल ही नहीं आता इसके अंदर। देखिए ये हाई प्रेशर लाइन, यहाँ से इनपुट होता है फ्यूल पंप से, यहाँ से आएगा फ्यूल और यहाँ से हाई प्रेशर में निकलना चाहिए, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में भी यहाँ से फ्यूल नहीं आ रहा है। फ्यूल आना चाहिए, कम आए या ज़्यादा आए वो बात की बात है, लेकिन फ्यूल आना चाहिए। तो यहाँ से फ्यूल बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, मैंने इसको प्रॉपर चेक किया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हाई प्रेशर पंप खोलना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझको जो डाउट है वो इस पंप पे डाउट है। तो देख रहे हैं आप छोटी सी चीज़ की वजह से कितनी सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ रही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, मैं कोई भी चीज़ अगर आपको रिकमेंड करता हूँ तो बिना उसको टेस्ट किए करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों का भरोसा मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने फेस किया वो दिखाना मुझे ज़रूरी है, भले कंपनी वाले बोले कि साहब आप ये मत बताओ, ऐसा बताओ, वैसा बताओ। इन लोगों ने भी ऐसी कोशिश की थी कि आप ऐसा कह दीजिएगा, आप ऐसा कह दीजिएगा, और इलॉजिकल से मतलब आंसर थे, फिर मैंने इनकी नहीं सुनी। मुझे लगा कि जो हुआ है वो तो मुझे दिखाना ही चाहिए। हाई प्रेशर पंप में खोल रहा हूँ, ये देखिए हाई प्रेशर पंप, यहाँ से LN की बोल्ट होंगे 3, और ये तीनों LN की बोल्ट मैंने यहाँ से निकाल दिए। अब ये देख रहे हैं हाई प्रेशर पंप मैंने निकाल के यहाँ रख दिया। अब इस हाई प्रेशर पंप को हम लेके जाएंगे फ्यूल सिस्टम वालों के पास और चेक कराएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। हाँ, ये है पंप, लास्ट टाइम जो मैं लेके आया था बीट का वही पंप है। अभी इसमें क्या हुआ, मेन लाइन में डीजल नहीं आ रहा है, ठीक है, रिटर्न में चला जा रहा है। हुआ कैसे था कि पहले गाड़ी स्टार्ट थी, गाड़ी के अंदर एक एडिटिव डाला था मैंने, प्रमोशन के लिए आया था मेरे पास, ठीक है, वो डालने के बाद बोले साफ़ करने का है ऐसा, प्रमोशन करो, तो हमने टेस्ट किया था, तो टेस्ट करने के लिए हमने इसमें डाला था। उसके बाद गाड़ी में क्या हुआ कि थोड़ी देर चलने के बाद, पहले तो इंजेक्टर आवाज़ कर रहे थे कट 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 कट, नॉइस हाई होने लगा होगा जो भी नॉइस होने के बाद, फिर स्टार्टिंग नहीं हो रही थी, फिर पेट्रोल सुंघा के स्टार्ट की, उसके बाद फिर स्टार्टिंग, फिर स्टार्टिंग खत्म होता है ना, तो वो आपको इसमें देखना है कि अब इसके प्लंजर चेक करके क्या प्रॉब्लम है। पंप हाई प्रेशर लाइन कनेक्ट हो गई रेल में, रेल में जितना प्रेशर बनेगा यहाँ मीटर पे शो होगा। ये आ गया मेन जो हमारा टैंकी से आता है फ्यूल, ये आ गया, और ये हो गया रिटर्न। फाइनली अब ये राउटर घूमेगा और फिर यहाँ से टेस्ट होगा कितना आता है। यहाँ पे देखिए पंप की टेस्टिंग हो रही है, पंप थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम कर रहा है, कभी तो ये प्रेशर बनाता है, कभी बिल्कुल ही प्रेशर नहीं बनाता है, कभी बनाता है तो हाई एंड पे चला जाता है, रुकता नहीं है, यानी कि उसको ट्रिप नहीं करता। जो DRV है वो भी सही काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अभी हमको DRV भी चेंज करना पड़ेगा इसका, और DRV के साथ साथ इसका प्लेंजर के काम भी होंगे। इसका प्लेंजर वगैरह जो है, इनका कहना ये है कि साहब प्लेंजर भी वीक है, प्रेशर इसका टूट रहा है। भाई
अब नॉर्मली कंडीशन में यहाँ से डीजल निकल रहा है, निकल रहा है ना, मतलब वैसे ही होता है गाड़ी जब हम स्विच भी लगाते हैं तो यहाँ से डीजल आता रहता है, तो डीजल अभी आ रहा है इसका मतलब। अभी देखिए पंप मैं यहाँ पे रिपेयर करा के ले आया हूँ, पंप रिपेयर हुआ, डीआरवी यहाँ पे इन्होंने नया डाला है, कुछ सेरेमिक बॉल अंदर डाली है इसके, और ये जो पिस्टन अंदर रन करते हैं वो पिस्टन के कुछ स्प्रिंग वगैरह इन्होंने चेंज किए, वो सारे कुछ इन्होंने सेकेंड हैंड डाले हैं। इन्होंने मुझे अपना बता दिया कि साहब ये सेकेंड हैंड डालें, इसका मैं कोई पैसा नहीं लूँगा। और जो ये डीआरवी है इसके 3500 रुपये और 500 सर्विस के, 4000 रुपये मुझे देने पड़े। वैसे कुछ पुराना हिसाब किताब था इसलिए कुछ पैसे कम लगे, अदरवाइज 7-8 हज़ार रुपये कम से कम ये पंप में जाने। पर मैं इसको क्लीन करके फिट कर लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या फिर क्या प्रॉब्लम आती है। फिट के लिए ये देखिए दिखाया था मैंने आपको पहले, ये निकलेगा, ये कुछ इस तरह से फंसता है और फिर ये जाके यहाँ फंसता है। हाँ आया तो है तेल, और काट के लगाओ। हाँ आया, फिर काट के लगाओ। फिट करने के बाद गाड़ी स्टार्ट तो हो रही है लेकिन इंजेक्टर की प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, तो इंजेक्टर मुझे निकालने पड़ेंगे। और इंजेक्टर के लिए देखिए WD-40 यहाँ पे स्प्रे करके छोड़ रहा हूँ मैं, और पूरा ओवरनाइट इसको छोड़ दूंगा, अगली मॉर्निंग स्टार्ट करी हो चुका है अभी अभी निकलने पे। ये वाला अभी बाकी है, ये वाला बाकी है। इंजेक्टर के बोल्ट जो हैं पहले ही लूज़ कर दिए थे मैंने, और 2 घंटा गाड़ी को स्टार्ट रखा, उसके बाद जाके ये इंजेक्टर फ्री हो गए। अब फ्री होने के बाद इजीली मैं स्टीयरिंग एंड यहाँ पे टाइट करके इसको इजीली निकाल सकता हूँ, धीरे धीरे हिला के, थोड़ा बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा लेकिन हाँ ये निकल जाएंगे, और अदरवाइज़ ये इतनी जल्दी नहीं निकलते। ये देखिए निकल गया। अब निकलने के बाद इसके अंदर देखेंगे ये लिक्विड कहाँ तक पहुँचा है, देख रहे हैं पूरा यहाँ तक लिक्विड आ गया, थोड़ा सा बस पोर्शन बाकी था वो यहाँ भी आ जाता। और ये अगर मैंने WD-40 नहीं डाला होता तो इतना ईजिली निकलता नहीं। तीनों इंजेक्टर निकाल दिए मैंने इसी तरीके से, सारे इंजेक्टर निकल के, और अब ये इंजेक्टर जाएंगे रिपेयरिंग के लिए। अब इसको चेक कराते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये इंजेक्टर ऐसे दिक्कत कर रहे हैं। इसके अंदर एक टंकी में ना हमने एडिटिव डाल दिया था, ठीक है, एडिटिव डालने के बाद ये इंजेक्टर आवाज़ करने लगता है गड़गड़ गड़गड़, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं गाड़ी। जैसे स्टार्ट किया, आइडल पे है तो ठीक है, जैसे एक्सीलेटर में पैर रखा, थोड़ी सी आरपीएम 2000 तक पहुंची, बंद, फिर 2000 तक पहुंची, बंद हो जाती है, इसी का ही है। अभी इंजेक्टर्स में यहाँ पे दूसरी जगह पे लेके आया हूँ क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी थी। नंबर 3 है ना, ठीक है। अब जैसे ये लगाना, एक वाला जो सही है, क्वेश्चन नहीं आई इसकी, शायद नहीं आई है। यहाँ पे मुझे तीनों इंजेक्टर कराने पड़ेंगे क्योंकि तीनों का आपस में मैच करना जरूरी है, थोड़ा बहुत अंतर हर किसी में है। तो यहाँ पे जो रिपेयरिंग की कॉस्ट है, मुझे यहाँ पे रिपेयरिंग की कॉस्ट लग रही है 8400 रुपये। फाइनल देखिए टेस्टिंग चल रही है इंजेक्टर की, डिलीवरी वगैरह कितनी। फाइनली अगर कहा जाए तो इस एडिटिव ने किया नुकसान, फ़ायदा करने की जगह नुकसान ही किया। लेकिन हाँ एक चीज़ और है, ये वीडियो बनाने में मुझे ज़्यादा मेहनत लगी बनिस्बत इसके कि मैं ये वीडियो ऐसी बना देता और कहता कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, बिना टेस्ट किए हाथ में बोतल पकड़ता और फोटो खिंचा के कह सकता था कि जी सबसे सस्ता है और बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे लिए आपका भरोसा ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ भी बताता हूँ तो पहले अपने ऊपर टेस्ट करता हूँ फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड जैसा होता है वैसा ही लगे। एयर फिल्टर अभी मैंने नहीं लगाया, एक बार गाड़ी को भी स्टार्ट करके देखते हैं पोजीशन क्या है गाड़ी की। अशोक भाई एक बार सेल्फ लगाओ, रेस दे के रखो थोड़ा सा, दबा के रखो, अभी ये फिल्टर यहाँ लगाऊंगा, मास एयर फ्लो सेंसर इसका ये कनेक्शन यहाँ लगाऊंगा, बाकी चीज़ें कंप्लीट। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, जो प्रॉब्लम थी गाड़ी में वो हो गई है सॉल्व। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ मन में कोई सवाल आता है तो बेझिझक नीचे लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।